कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है और हमें हमारे बच्चे को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, क्या होता है गर्मी के सीज़न में, इस तगड़ी मतलब कि चिलचिलाती धूप में हम लोगों की, हम बड़ों की हालत ख़राब हो जाती। थोड़ी देर बाहर निकल जाए तो आने के बाद मतलब ग्लूकोन डी चाहिए, नींबू पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं फ्रेंड्स ना, मतलब पूरा गला सूखने लगता है, बाहर चले जाए घमौरियाँ निकल जाती हैं। तो सोचिए बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि गर्मी के सीज़न में कुछ टिप्स हैं जो अपना करके आप अपने बच्चे को गर्मी में आराम दिला सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने बच्चे में पानी की कमी नहीं होने देना है। अगर ख़ास तौर से आपका बच्चा 1 साल से छोटा है ना, उसकी पहली गर्मी है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। तो अपने बच्चे के अंदर पानी की कमी नहीं होने देना है। अगर हमारा बच्चा 6 महीने से छोटा है तो कुछ भी हो ना, कितना भी चिलचिलाती धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, बच्चे को बाहर भी ले जा रहे हैं तो भी आपको अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते उस समय आपको ध्यान देना होगा कि आप बार बार अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं या फिर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो डिब्बे का दूध जो भी है आप उसको दें। अगर आपका बच्चा नहीं भी मांग रहा है ना, अभी वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं भी करना चाह रहा तो भी आप उसे करवाएं, ताकि आपके बच्चे का जो गला है वो सूखने ना पाए किसी भी हालत में। और ये आप कैसे पता करेंगे, अगर आपका बच्चा दिन में 8 से 10 बार टॉयलेट करता है तो आप मान के चलिए कि आपके बच्चे के अंदर पानी की कमी नहीं है। और रात में 3 से 4 बार अगर इससे कम टॉयलेट करता है तो आप मान लीजिए कि आपके बच्चे के अंदर पानी की कमी है और उसे थोड़ा ब्रेस्ट फीडिंग और कराने पे ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, 1 साल के अंदर है, तो आपको क्या करना है कि बच्चे को टाइम टू टाइम पानी पिलाते रहना है। उसके साथ साथ आपको दही हो गया, छाछ हो गया, फिर नींबू पानी हो गया, उसके साथ साथ आपको नारियल पानी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को देते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे, ताकि बच्चे के अंदर पानी की कमी ना होने पाए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट बात कर लूँ तो गर्मियों के सीज़न में हमें हमारे बच्चे को दिन में 2 बार नहलाना चाहिए। अगर 6 महीने से छोटे बच्चे हैं तो ये ध्यान देना है कि हल्के गुनगुने पानी से नहलाएं, और 2 बार अगर नहलाएंगे तो हमारे बच्चे के अंदर जितना भी पसीना होगा, जितना भी कीटाणु होगा, वो सारी चीज़ें मतलब दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे को नहलाने पे भी ध्यान दें, लेकिन नहलाते समय आपको ये ध्यान देना है कि दोपहर का समय ना हो। नेक्स्ट, हमें हमारे बच्चे की मालिश दिन में 2 बार करनी चाहिए और नहलाने के आधे घंटे के पहले। और मालिश आपको नारियल के तेल से करनी चाहिए ना, नारियल का तेल जो होता है वो बहुत ही लाइट होता है, वो बहुत चिपचिपाहट नहीं होता उसमें, वो गर्म नहीं देता है, उसकी जो तासीर होती है बहुत ठंडी होती है। तो फ्रेंड्स, आप नारियल के तेल से अपने बच्चे की मालिश ज़रूर करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है कि हमें हमारे बच्चे को गर्मी के सीज़न में डायपर रहित रखना है, जितना हो सके डायपर नहीं पहनाना है। आप रात में डायपर पहनाना प्रेफर करें।